केजीएफ 2 जैसी फिल्म बना चुके डायरेक्टर प्रशांत नील पिछले काफी समय से अपनी अपकमिंग मूवी सलार को लेकर के चर्चा में हैं। इसके जरिए प्रभास और एक्ट्रेस श्रुति हसन स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देने वाली हैं। आदिपुरुष की असफलता के बाद फैंस की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तो वहीं लंबे इंतजार के बाद प्रभास की मूवी सलार का पार्ट 1 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के लिए प्रभास के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा की उम्मीदें थी कि सलार के ट्रेलर में प्रभास हैरान कर देने वाला एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि मूवी स्क्रीन पर एक्शन को बढ़ाते हुए गारंटी देती है। तो वहीं सलार के ट्रेलर में प्रभास का दमदार एक्शन हर किसी के दिल को जीत लेगा। आज बात यह है कि दिग्गज एक्टर लंबे समय से एक हिट मूवी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में प्रभास की केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके प्रशांत नील से काफी उम्मीदें हैं। तो वहीं जबरदस्त ट्रेलर के बाद अब बहुत ही जल्द इस फिल्म से एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग भी सुनने और देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, पिंक विला रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास स्टारर मूवी सलार में सिमरत कौर का कैमियो होगा। वह इस मूवी में डांस परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगी। कहा जा रहा है कि सिमरत ने हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में गाने की शूटिंग पूरी कर ली है। बताएं दोस्तों कि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही सिमरत कौर ने इस बात की पुष्टि की है और ना ही सलार के मेकर्स ने। आपको बताया दो कि सलार मूवी को सितंबर 2023 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अचानक ने मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया था। इसकी वजह सामने आई थी कि शाहरुख खान की जवान मूवी रिलीज हो रही है। इसके लिए फैंस और दर्शकों का क्रेज देखते हुए इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद मूवी की रिलीज डेट 22 दिसंबर तय की गई है। इसी के एक दिन पहले शाहरुख खान की डंकी मूवी को भी रिलीज किया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस साल के अंत में कौन बाजी मारता है। फिलहाल दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है सलार मूवी को देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।